हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है हीरो एचएफ डीलक्स का ऑल ब्लैक कलर। तो आज की इसको एचएफ डीलक्स ऑल ब्लैक में मिलने वाली फीचर 2024 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, एचएफ डीलक्स में आपको टोटल कितने वेरियंट्स मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शन अवेलेबल है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते। सबसे पहले बात करते हैं एचएफ डीलक्स में आपको वेरिएंट्स कितने मिलते हैं। देखो, बहुत से वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सबसे पहले जो सामने आप देख रहे ना, इसका ऑल जेड ब्लैक कलर है। इसके अलावा आपको ड्रम किक स्टार्ट आता है, ड्रम सेल्फ स्टार्ट आता है, i3 ड्रम सेल्फ स्टार्ट आता है, तो बहुत से आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ऑल जेड ब्लैक है, इसमें आपको i3 नहीं आता है। अगर बात करें कलर ऑप्शन की, देखो कलर भी आपको एचएफ डीलक्स में मल्टीपल मिल जाते हैं, बहुत कलर मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, बहुत कलर ऑप्शन अवेलेबल है। पर ये ऑल जेड ब्लैक आपको थोड़ा डिफरेंट कलर देता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका कौन सा कलर आपको देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट क्लिप से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देख दो। एच एफ पे फ्रंट का लुक भी बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको लंबा सा विंड वाइजर मिलता है, ब्लैक कलर मिलता है, यहाँ आपको हीरो का एक 3D लोगो मिलता है, हैलोजन हेलमेट सेटअप मिलता है, टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन के मिलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, बाकी सेंटर में नंबर प्लेट की जगह मिलता है, यहाँ पे आपको मिरर भी मिलता है, अभी लगा हुआ नहीं है क्योंकि ये शोरूम पे खड़ी है भाई। बाकी अगर बात करें मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हाइट हार्ड फाइबर यूज होता है, यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एच एफ डीलक्स का ये ऑल जेड ब्लैक का फ्रंट का लुक आपको देख के कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। सबसे पहले देखो, यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, बाकी मडगार्ड के ऊपर आपको एक रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, 130 का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, सबसे पहले देखो यहाँ आपको ये सीट का टायर मिलता है, और यहाँ आपको 80x118 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। बाकी आपको पता है एच एफ डीलक्स में पहले आपको ट्यूब वाला टायर मिलता था, लेकिन ट्यूबलेस टायर अभी अपडेट होके आ गया है तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट से, सबसे पहले लाइट राइट का लुक देख लो। यहाँ टैंक के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग में ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया। यहाँ पे आपको एच एफ डीलक्स जो लिखा गया है 3D में लिखा गया है, इसमें क्रोम का मटेरियल यूज किया गया, तो अलग से एक लुक आ जा रहा है। बाकी आपको लंबा सा सीट मिलता है, सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, दो आदमी तो आराम से बैठ ही जाते हो, साथ में आप कुछ सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो। यहाँ जो ग्रैबरेल मिलता है ना एच एफ ऑल ब्लैक में, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर मिलता है, यहाँ आपको हार्ड फाइबर का मिलता है, यहाँ पे आपको देखो ये पिलन की जो फुट रेस्ट मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। बाकी आपको पतला सा स्लिक सा डिजाइन में आपको एग्जॉस्ट मिलता है, इसके ऊपर आपको मफलर गार्ड भी मिलता है, अभी लगा हुआ नहीं है जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे शोरूम पे खड़ा है इसलिए लगा हुआ नहीं है। बाकी क्रोम पार्ट यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये ब्रेक लीवर भी आपको क्रोम मेटल का ही मिलता है, यहाँ पे जो ये राइडर के लिए फुट रेस्ट है इसके ऊपर भी रबर का ग्रिपिंग वगैरह मिलता है, इंजन आपको ब्लैकआउट मिलता है, हीरो की ब्रांडिंग मिलती है। देखो एक चीज़ देखो, एच एफ डीलक्स में आपको किक भी मिलता है, यहाँ पे आपको किक भी मिलता है और सेल्फ स्टार्ट मिलता है, तो किक और सेल्फ दोनों ऑल जेड ब्लैक में आपको मिल रहा है। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। देखो रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, फ्रंट और रियर दोनों में आपको पीछे आके दोनों सेम ब्रेक मिलता है, और टायर सेक्शन भी आपको सेम मिलता है, TVS का टायर मिल रहा है, और यहाँ भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 180x118 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ मिल जा रहा है। अगर बात करें सस्पेंशन की, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, ये भी आपको ब्लैकआउट में दिया गया, ये भी ब्लैक दिया गया। तो ये जो कलर दिया गया ना ऑल ब्लैक थीम, हर कुछ आपको लगभग ब्लैक ब्लैक दिया गया है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। देखो इसमें आपको इंजन वही सेम मिलता है, 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर F1 इंजन मिलता है, BS6 Phase 2 अपडेटेड, E20 अपडेटेड, E20 आप पेट्रोल यहाँ पे रखवा सकते हो, वहीं आपको इंजन मिलता है। अगर बात करें इंजन डायमेंशन की, तो बोर्ड 50 mm का मिल जाता है, स्ट्रोक 49.5 mm का मिल जाता है। अभी बात करते हैं पावर की। एच एफ डीलक्स की अगर बात करें मैक्सिमम पावर, तो 7.9 hp का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 8000 rpm पे, और 8.05 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6000 rpm पे। तो पावर और टॉर्क ना एच एफ डीलक्स में आपको अच्छा मिलता है, साथ ही साथ माइलेज आपको दमदार मिलता है। आपको ये 100 cc का जो बाइक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा माइलेज आपको एच एफ डीलक्स में मिलता है। माइलेज के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। सबसे पहले आप रियर का लुक देख लो। रियर में आपको यहाँ पे हैलोजन के टेल लाइट्स मिलते हैं, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन के मिलते हैं, सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह वगैरह मिल जाता है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देख लो। राइट की तरह आपको लुक्स वगैरह दिया गया है, टैंक के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है,
यहाँ पे आपको एच एफ डिलक्स जो लिखा गया है ना, ये क्रोम का पार्ट यूज किया गया, अच्छा चमक रहा है, थोड़ा दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बात करें गियर बॉक्स की, फोर स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, टू हिल शिफ्टर मिलता है, ये भी पार्ट यहाँ क्रोम का यूज किया गया। अगर बात करें स्टैंड की, मेन स्टैंड तो दिया जाता है, साइड स्टैंड भी दिया जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी है। देखो ये सेफ्टी फीचर है, क्या होता है चलते चलते मैं आपका स्टैंड लग गया ना तो अपने आप इंजन कटअप हो जाएगा, या लगा रहा है तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो इससे आपका एक्सीडेंट होने से भी बच जाएगा। बाकी यहाँ बात करें चेन की, तो यहाँ पे फुली कवर्ड आता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज होता है, कि कवर की वजह से ना क्या होता है, धूल डस्ट पार्टिकल नहीं जाता है, बार बार वॉश करके आपको ल्यूब नहीं करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जा रहा है। वैसे हीरो एच एफ डीलक्स में आपको मेंटेनेंस कम ही खोजता है, बस टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए आप, आपको ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइलेज आपको अच्छा मिलता रहेगा। सारी गार्ड मिल जाता है, कंपनी फिटेड है, यहाँ पे लेडीज फुट रेस्ट भी आपको मिल जाता है, अभी यहाँ लगा हुआ है, नहीं देखो यहाँ पे टंगा हुआ है, ये लगा के आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैं बताया अभी शोरूम पे खरीद से लगा हुआ नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ है 1965 mm का मिल जाता है, ओवरऑल विड्थ 720 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट है 1045 mm का मिल जाता है, व्हील बेस है 1235 mm का मिल जाता है, सीट हाइट 805 mm का रखा गया है। लेकिन फिर भी आप 5.4 भी हो तो भी चला लोगे, क्योंकि इसका जो कर वेट है ना बहुत हल्का रखा गया है, सिर्फ 110 kg का कर वेट है। अगर बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 9.6 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है, टैंक देख लो बहुत अच्छा मिलता है, और सीटिंग जब बैठोगे ना सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल आएगा। बाकी यहाँ पे देखो आपको बात करें मीटर कंसोल की, एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर, यहाँ फ्यूल गेज, यहाँ इंजन माउंट फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड का आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे हेडलाइट का इंडिकेटर आपको मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करें स्विच गियर की, यहाँ पांच लाइट का स्विच अपर में लोअर में मिलता है, सॉरी टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, हॉर्न का स्विच मिल जाता है। बाकी देखो आपको ये सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, जैसा कि मैं बताया इसमें I3S नहीं आता है, तो आपको I3S नहीं मिलता है। बाकी आप मुझे बता देना कि जो फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं आपको कैसे लगते हैं। अभी बात करते हैं मेन जो माइलेज है, देखो इसमें माइलेज बहुत दमदार मिलता है, 70 mpl का माइलेज लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को ऊपर भी मिलता है, कुछ लोगों को कम भी मिलता होगा। देखो ये बहुत डिपेंड करता है आपका राइडिंग कंडीशन क्या है, रोड का कंडीशन क्या है, इसलिए माइलेज बहुत फर्क पड़ता रहता है। तो जिनके पास HF Deluxe का ये बाइक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें माइलेज क्या मिलता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, देखो इसका ऑनर प्राइस पुणे में 86,701 rupees के अराउंड आता है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम बताओगे तो मैं किस सिटी का लिस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप पुणे के आसपास रहते हैं तो खांड के ऑटोमोबाइल तलेगांव में आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ आपको हीरो का सारा बाइक, सारे स्कूटर मिल जाएगा। अगर आपने मेरा रेफरेंस दिया तो आपको यहाँ पे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो डायरेक्ट फ़ोन पर बुकिंग ले सकते हैं या शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।